दिवाली का त्योहार आ रहा हो और मिठाइयां ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी इजी और झटपट बनने वाली सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली कोकोनट लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। वेलकम टू फूड फ्लेवर फैक्ट्री, मैं हूँ ज़लरी मेहता। जिसके लिए चाहिए 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, 150 ग्राम कंडेंस मिल्क और 50 ग्राम मिल्क पाउडर। अब हम पैन में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क इसीलिए यूज़ किया है, जो कंडेंस मिल्क है वो हमारा काफ़ी कुकिंग टाइम सेव कर लेगा। और आपको मेरी कंडेंस मिल्क होममेड बनाने की रेसिपी चाहिए तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर लेना। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। इसको हम बंद गैस पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। अब मैंने गैस ऑन कर लिया है, मैं इसको लो फ्लेम में कुक कर लूँगी। इसको तैयार होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हो कि इसमें बाइंडिंग आने लगा है। और आप गैस की फ्लेम है वो धीमी रखना, वरना कोकोनट है वो जल जाएगा। और जैसे ही मिक्सर पैन छोड़ दे तब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रिपेयर होने लगा है। इसको तैयार होने में सिर्फ 3 मिनट लगे हैं, तो है ना ये एकदम झटपट रेसिपी। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और मिक्सर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये मिक्सचर ठंडा होगा तब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर ड्राई कोकोनट में रोल कर देंगे। बॉल्स आप मनपसंद साइज के हिसाब से बना सकते हैं, छोटे या बड़े, आपको जो अच्छे लगे वो आप बना सकते हैं। और एक और चीज़, मैंने यहाँ पे पेपर कप यूज़ किया है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यूज़ मत करना। आप देख सकते हैं कि हमारे सुपर क्विक लड्डू तैयार हो रहे हैं। तो मैंने तो मेरी फैमिली के लिए लड्डू बना लिए है। अब आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप घर पर खुद भी बनाना।